वेलकम बैक टू अनदर डे आउट। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। मैं जा रही थी नादरा के ऑफिस क्योंकि मुझे अपना आईडी कार्ड जो है वो दोबारा से बनाना था, वो एक्सपायर हो चुका था। यहाँ हम लोगों ने अपने कार्ड्स को रिचार्ज करवाया मेट्रो के, और यहाँ पे सामने से एक मेट्रो बस आ रही थी तो मैंने सोचा इसका भी एक वीडियो क्लिप ले लूँ। तो यहाँ से अब हम लोग अपने मेट्रो के जो कार्ड्स रिचार्ज करवाने के बाद नीचे जा रहे थे क्योंकि नीचे ही स्पीडो का एक स्टेशन है और हमें स्पीडो पे बैठ के जो है वो नादरा के ऑफिस तक जाना था। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे थे और जैसे ही हम नीचे पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ से स्पीडो जो है वो जा चुकी है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग रिक्शे में चले जाते हैं क्योंकि अगर हम स्पीडो का वेट करते तो और ज़्यादा देर हो जानी थी। अच्छा, मैंने जो है नादरा ऑफिस के बारे में यही सुना था कि यहाँ बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है और काफ़ी देर बाद आपकी बारी आती है। तो दिल में एक डर ही था कि पता नहीं मैं जाऊँगी, मेरी बारी कितनी देर बाद आएगी और कितना टाइम लगेगा। तो फाइनली हम लोग नादरा के ऑफिस पहुँच गए थे और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। मैं और मेरी बहन थे तो वो मुझे बिल्कुल हौसला दे रही थी कि कुछ नहीं होगा। यहाँ से हम लोगों ने अपना टोकन लिया और मेरी जो बारी थी वो तकरीबन 300 बंदों के बाद बारी आनी थी और यहाँ इतना ज़्यादा रश था। 8 बजने वाले थे तो फाइनली मेरी बारी आ गई और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है और टोकन जो है उसको LCD पे वो शो कर रहे हैं। जैसे आपकी बारी आती है आप अपने काउंटर पे जाएं और आपका जो भी आईडी कार्ड से रिलेटेड है या बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड किसी किस्म का भी काम है तो वो आराम से जो है ईज़िली हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब आईडी कार्ड बनवाने के बाद घर वापस आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।